हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में MBBS इन कजाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, जो एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स बिगिन। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में स्थित है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान का एरिया अप्रोक्सीमेटली 2.72 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 20 मिलियन है। कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी नूर सुल्तान है, जिसे पहले अस्ताना के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी अल्माती है और इंडियन एम्बेसी भी अल्माती में ही लोकेटेड है। कजाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कजाक है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन लैंग्वेज रशियन भी समझती है। ऑफिशियल करेंसी कजाकिस्तान टेंगे है और इसका एक्सचेंज रेट यूजुअली 0.18 टू 0.19 के आसपास ही रहता है। कजाकिस्तान में दो टाइम जोन्स हैं, GMT+5 और GMT+6। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अल्माती में ही है, इसीलिए हम रेफरेंस के लिए GMT+6 ही कंसिडर करेंगे। तो इंडिया के हिसाब से ये सिर्फ हाफ एन आवर ही आगे है। ट्रैवल टाइम की बात की जाए तो दिल्ली से अल्माती से काफ़ी डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेट ट्रैवल टाइम 3.5 to 4 आवर्स ही रहता है। बाकी MBBS अब्रॉड कंट्रीज के कंपैरिजन में ये काफ़ी नज़दीक है। अब MBBS के कोस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। MBBS कजाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जनरली 5 years का रहता है। ये 5 years कम्प्लीटली एकेडमिक रहते हैं। इसके अलावा NMC के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको 1 year मैंडेटरी इंटर्नशिप भी परस्यू करना ज़रूरी है उसी कंट्री और इंस्टीट्यूशन से। इससे टोटल कोर्स ड्यूरेशन 6 years का हो जाता है। वहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इंडिया से आकर FMG या नेक्स्ट क्लियर करके 1 year इंटर्नशिप इंडिया से करने के बाद ही लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। MBBS इन कजाकिस्तान के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, जिसे आपको सबसे पहले नीट में एलिजिबल होना ज़रूरी है अप्लाई करने के पहले, और हायर सेकेंडरी में PCB का परसेंटेज मिनिमम 50% रहना ज़रूरी है। अब हम कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। कजाकिस्तान में आज की डेट में 15 मेडिकल यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में। इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मेजरली अल्माती में एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं। अल्माती के अलावा नूर सुल्तान, सेमे, अक्तोबे और शिमकेंट में भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस की तरफ। कजाकिस्तान में MBBS पढ़ने के लिए ट्यूशन फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, यूजुअली 3000 से लेकर 5000 USD तक रहती है। ट्यूशन फीस के अलावा पोस्टल चार्जेस, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा जैसे एडिशनल चार्जेस भी रहते हैं। ये सब के अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं, जो कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अफोर्डेबल ही है। अब बात करते हैं NMC FMGL 2021 की एप्लीकेबिलिटी की। MBBS फ्रॉम कजाकिस्तान का कोर्स ड्यूरेशन 60 months यानी 5 years का है, और 1 year इंटर्नशिप यहाँ से परस्यू की जा सकती है। कोर्स ड्यूरेशन और इंटर्नशिप के पॉइंट्स पर ये एप्लीकेबल है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, और फाइनली कोर्स कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट्स यहां से लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जो कि कजाक, रशियन और इंग्लिश ये तीनों ही लैंग्वेज में अपीयर किया जा सकता है। MBBS कजाकिस्तान से एक काफ़ी सेफ ऑप्शन है एज पर NMC रेगुलेशंस। अब बढ़ते हैं आगे FMG रिजल्ट्स पर। कजाकिस्तान के ओवरऑल FMG रिजल्ट्स की बात की जाए तो 15-18 में 10.26, 2019 में 25.19, 2020 में 13.11 और 2021 में 22.07 रहा है। आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। अब फाइनली एडवाइजर रिमार्क्स एंड टिप्स। कजाकिस्तान एक वायबल ऑप्शन है MBBS अब्रॉड के लिए, स्पेशली इसकी अफोर्डेबिलिटी और प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया की वजह से। बाकी आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन।
सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना चाहिए जहां से इंडियन स्टूडेंट के बैचेस पास आउट होकर आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। नई यूनिवर्सिटीज को एटलीस्ट फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप यूनिवर्सिटी के डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड MBBS इन कजाकिस्तान के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमसे कमेंट्स या सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।